हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है और इस वीडियो के अंदर मैं जो रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। थैंक यू अल्लाह वी वॉन, पाकिस्तानी हॉकी अंपायर सेड आफ्टर इंडियाज़ मेडल विन इन कॉमनवेल्थ गेम। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, पाकिस्तान की कौन है ये, क्या है, क्यों बोला पाकिस्तानी हॉकी अंपायर हैं ये। तो चलो देखते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बाकी बात हमें इसको देखकर पता चली जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिल्कुल, मैं बड़ी इवन की जब स्ट्रोक हुआ है ना, मैं कही अल्लाह नहीं, बस ये जाएंगे इंशाल्लाह। हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सक्लूसिव बात की सविता पुनिया से और सलीमा से, जो आज की मैच के दोनों हीरोज थे जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताने में कामयाबी दिलाई है। जब मैं मैच देख करके वापस आ रहा था, इंटरव्यूज लेकर के वापस आ रहा था, मैंने देखा एक लेडी हैं जो भारत की किसी खिलाड़ी से वो बात कर रही हैं और खूब हंसी मजाक उनका चल रहा है। तो मुझे लगा कि कोई यहाँ, क्योंकि जो उन्होंने ड्रेस पहन रखा था वो ड्रेस है जो यहाँ वॉलंटियर्स पहनते हैं, तो मुझे लगा कि कोई यहाँ पे हैं। और उसके बाद उनकी बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, तो वो मुझसे मुखातिब होकर के मुझसे एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया ने क्या ज़बरदस्त मैच खेला, हम जीत गए। मैंने कहा कि जब ये कह रही हैं कि हम जीत गए हैं तो यहाँ रहने वाली कोई होंगी, पंजाबी में बात कर रही थी। अब बर्मिंघम में जहाँ पे ये गेम्स हो रहा है पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, तो मुझे लगा कि ये उनमें से कोई ये होंगी जो ब्रिटिश पंजाबी हैं, ब्रिटिश इंडियन पंजाबी हैं, वो यहाँ रहती हैं और यहाँ पे शायद वो वॉलंटियर होंगी और वो खुश हैं जैसा कि हम सब खुश थे। और बात होने लगी और उन्होंने कहा कि देखिए सेमीफाइनल में तो इनके साथ थोड़ी सी इनके साथ थोड़ा सा जुल्म हो गया था, लेकिन बच्चियों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आकर के ब्रॉन्ज मेडल के मैच में पूरे मैच को डोमिनेट करके रखने की बात की। खैर, जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो मैंने कहा कि आप कहाँ रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद यहाँ रहता हूँ, तो मैं उन्होंने पूछा आप कहाँ रहती हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मैच ऑफिशिएट करने आई हूँ, वन ऑफ दी अंपायर्स हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा, आप अंपायर्स हैं, इंडिया से अंपायर्स आई हुई हैं एक लेडी और हमें पता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ, पाकिस्तानी हूँ मैं और मैं लाहौर से हूँ। फिर जब उन्हें उनका इस तरह का जो नाम होता है, ये हमें टैग जो पासिस लैनियार्ड मिला हुआ है, तो मैंने देखा तो उसमें बीनिश हयात है और बीनिश हयात के बारे में मैंने पढ़ रखा था, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हॉकी भी खेल रखी है। तो मैंने कहा कि आपने तो पाकिस्तान की तरफ से हॉकी भी खेला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिस लेडी से मैं बात कर रही थी इंडियन प्लेयर से, हम दोनों ने मिल करके हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेले हुए हैं 2000 इससे पहले जलंधर में जब वहाँ पे। तो मैंने कहा यार आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया की जीत को आप कह रहे हैं कि हमारी जीत है, आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है यहाँ पे, और सोशल मीडिया पे तो ऐसा होता है कि क्या तलवारें एकदम निकली हुई हैं और एक दूसरे के खिलाफ। मैंने कहा क्या प्यार है आप दोनों में, और जिस तरह से इंडियन प्लेयर भी हंस करके बात कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि इनसे एक इंटरव्यू तो बनता है, मैंने उनको रोका, देखा है सोशल मीडिया पे भी जो बातचीत आपके सामने में मौजूद है। अगर आप इंटरव्यू देखने से पहले, मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में इनकी वीडियो का, जाकर चेक करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। हिट हो चुका है कॉमनवेल्थ के ज़माने में कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं हमारे कॉमनवेल्थ के वीडियोज़ के। तो ये वीडियो भी देखिए, आई होप के जिस तरह से आपने प्यार हमारे पुराने वीडियोज़ को दिया है, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिनिश, आप पाकिस्तान से पहली वुमेन हैं जो यहाँ आकर के आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में मैचेस को ऑफिशिएट किया है, बड़ी बात है। क्या कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा ज़बरदस्त रहा है जी, बड़ा अच्छा लगा है एक एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, एज अ रेफरी अपने को रिप्रेजेंट करना यहाँ पर ऑनर की बात है मेरे लिए, और हमारी पाकिस्तानी जो आने वाली अंपायर हैं खिलाड़ी उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा कि यहाँ पे डोर इज़ ओपन फॉर एवरीवन, जस्ट यू नीड टू हैव हार्ड वर्क। दैट्स इट। अभी इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हो गया है। उसके बाद मैंने देखा कि आप एक इंडियन प्लेयर से बात कर रही थी बड़े कोने में, क्या बात हो रही थी, वो कौन सी खिलाड़ी थी? देखिए मैं उनके साथ खेल चुकी हूँ इंडिया में, मेरी उनसे अच्छी गपशप है। बलजिंदर कौर है फ्रॉम पंजाब से, और जारी बात मुबारक देनी थी, जफ्फी जुफ्फी डाल के देनी थी और उनको मुबारक, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड बिकॉज दे आर रियली हार्ड वर्क फॉर दैट टू अचीव दिस टारगेट।
और मैं इनको देख रही हूँ, बड़े अच्छे से इनको देख रही हूँ, बचा रही हैं, मेहनत करते जा रही हैं बड़ी सपोर्ट के साथ, बड़ी इनके साथ लगन है अपनी कंट्री के लिए, बड़ा एफर्ट करती हैं जिस तरीके से आज वो खेली हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये आइंदा 10 साल तक 20 साल तक इनको अप मीट कर सकेगा। अच्छा आपने आपने बलजिंदर के साथ कहा कि आपने आपने हाँ जी हाँ जी पहले के इनके स्टैंडर्ड में और अब में क्या आपको नजर आ रहा है? जमीन आसमान का फर्क। अच्छा जमीन आसमान देखिए वो आप पता चलता है कि इंडियन टीम है इधर से देखिए वर्ल्ड रैंकिंग 4 नंबर 3 पर आप आ चुके हैं तो बड़ा ऑनर की बात है। आज जो आपने गेम देखा उसमें मेरा मुशाहिदा ये था कि इंडिया ने डोमिनेट किया है पूरे मैच को बहुत ज्यादा राइट। हाँ जी तो मतलब उनको मुझे तो ये लगा था कि और भी ज्यादा डिस्टेंस उनको जीतना चाहिए था। देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। देखिए अब उनका जब जैसे आप सेमीफाइनल आपने देखा है काफ़ी हार्ड था उनके लिए और आपकी बात ठीक है कि करना चाहिए था लेकिन सबसे बड़ी बात हम जीत गए। आपके पास मेडल आ गया फॉरगेट अबाउट इट कि इतने मार्जिन होना चाहिए। आपको इस चीज़ को अच्छी चीज़ याद रखनी चाहिए हमेशा कि दे आर इन। मैं यहाँ पे बता दूँ जो हमारे जो भारत के जो अभी लोग देख रहे हैं मैं नहीं जानता था कि ये बीनिश हयात है हालांकि मैं इनको ढूंढ रहा था लेकिन मैं शक्ल से नहीं पहचानता था। मैंने देखा जब ये बलजिंदर से बात कर रही थी वहाँ पे इंडियन प्लेयर से उसके बाद मैं इसे बात करने लगा इतनी खुश लगी मुझे लगा कि कोई ये लोकल है यहाँ पे जो इतनी इंडिया, खुश है और इंडिया से रहने खुश हो रही थी। कहा कि ये पाकिस्तानी क्या बात बहुत जरूरी है बड़ा पॉजिटिविटी इंडिया पाकिस्तान टेंशन की बात करते हैं मैंने वो नेचुरल हैप्पीनेस आपके चेहरे पे देखा इंडिया की जीत। बिल्कुल बिल्कुल मैं बड़ी इवन की जब स्ट्रोक हुआ ना मैं कही अल्लाह नहीं बस बस ये जाएंगे इंशाल्लाह। क्या होना चाहिए क्या इस तरह से इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों को और आगे आकर के कम से कम इतना मोहब्बत है। देखिए बात इतनी सी है पॉलिटिक्स लेवल पे आप सबको पता क्या हो रहा है रियलिटी ये जो आपने अपनी आंखों से देखी है आपको नहीं पता था हु आई एम बिकॉज आई एम इन नॉट इन पाकिस्तान रहने वाली पंजाबी यहां पे बिल्कुल भी देखिए हम लोग इतनी अच्छी और हमें सपोर्ट करना चाहिए चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो गेम्स में देखने को मिलती है बाकी चीजों में हमारे ही देश से आई हुई है हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा करिए नाम एशिया आया इंडियन का आया और सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है जब वो इंडिया ने जीता आपसे बात हुई थी आपने कहा हम जीत गए ये कमाल है मतलब हम जीत गए क्या बात क्या बात थैंक यू क्या बात है थैंक यू वेरी मच ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत सी एक स्टोरी हमने इसके अंदर देखी बिनिश हयात जो पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करती हैं उन्होंने इंडिया के जीतने पर बोला कि थैंक गॉड हम जीत गए शुक्र मनाया दुआएं मनाई कि हम जीत गए। मतलब कितनी अच्छी पॉजिटिव वीडियो थी एक पॉजिटिव इमेज जो कि स्पोर्ट्स में आजकल हमें देखने को मिल रही है बाकी जगहों पे तो नहीं। और इन्होंने जैसा बोला सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लड़ाई झगड़े तलवारें निकल आती हैं तो वो चीज़ मैं भी देखता हूँ। ऐसी रियलिटी अगर आप देखो गेम्स में जाओ कुछ पॉजिटिव चीज़ों में देखो आप तो आपको देखने को मिलेगा कि बाबर आजम और विराट कोहली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे एक दूसरे से गले मिलते हुए नज़र आएंगे धोनी और पाकिस्तान की टीम आपस में मिलेगी। आप देखेंगे कि ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पाकिस्तानी हॉकी अंपायर इंडिया को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगी। आप देखेंगे कि गोल्ड जीतने के बाद जो जेवलिन थ्रोअर हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम वो अपने इंटरव्यू में बोलेंगे कि मज़ा आता अगर इंडियन प्लेयर जो है वो वहाँ पर होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं मतलब क्या कमाल की चीज़ें हैं क्या पॉजिटिविटी है दिल को खुश कर देती हैं ये चीज़ें। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर साइनिंग ऑफ।